हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो लेटेस्ट में इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, जो फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। कहाँ से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो फिलहाल हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कौन कौन सी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी आई है। तो पहला जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी आया है वो ये है कि अभी एक वर्ल्ड डे मनाया गया है। कौन सा? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। आपसे पूछ रहा है कि ये कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो आपको बताना है कि इनमें से किस डेट को ये जो विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है। तो यहाँ आपका 17 जून सही हो जाएगा। 17 जून को ये डे ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। फिलहाल नाम से ही पता चल रहा है कि जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी पानी की कमी की वजह से जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, सूखा हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए ये दिवस को ऑर्गेनाइज किया गया है। इस डे को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। इस बार जो ये जो डेजर्ट वाला डे मनाया गया है, इसमें क्या है, जो थीम ऑर्गेनाइज की गई है वो है हर लैंड हर राइट्स, यानी वुमेन्स को ज्यादा फोकस किया गया है, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस किया गया है, रिस्टोरेशन गोल्स पे फोकस किया गया है। यानी जो महिलाएं हैं उनकी जो लैंड है, कभी कभी क्या होता है उनको लैंड नहीं मिल पाती है जो उनसे बिलोंग करती है, तो उसके लिए यहाँ पास जो थीम रखी गई है वो रखी गई है हर लैंड हर राइट्स, यहाँ मेंशन भी हुआ है। और उसके बाद ये कब मनाया गया है, 16 जून को ये एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। कहाँ? ये आपका यूनाइटेड स्टेट में ऑर्गेनाइज हुई है, यूनाइटेड स्टेट में न्यूयॉर्क में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, जहाँ हर लैंड एंड हर राइट्स की बात की गई है। उसके बाद और इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इसमें वुमेन्स को बहुत ज्यादा इम्पावर किया गया है, यानी महिलाओं को भूमि और उनसे संबंधित उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, इस बात पर फोकस किया गया है कि ऐसा किया जाए कि उनकी जो भूमि है या उनके संबंधित जो अधिकार है वो उनको प्रोवाइड किए जा सके। और साथ ही साथ जब भी सूखा पड़ता है या डेजर्टिफिकेशन होता है तो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट में ही ये अपडेट आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास कुछ डेट मेंशन है, साथ ही साथ उस डेट को कौन सा डे था ये भी मेंशन किया हुआ है। जून के सारे डेट है। 1 जून की बात करें तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, यानी 2 जून को ही तेलंगाना फॉर्म हुआ था, तो इसलिए तेलंगाना फॉर्मेशन डे बोल सकते तेलंगाना का बर्थडे 2 जून को मनाया जाता है। 3 जून की बात करें तो वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। 5 जून की बात करें तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। इस मंथ में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो था वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम आपको याद करने की जरूरत है अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, तो 5 जून यानी जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर गेन कर लीजिएगा। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया है। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया है। 17 जून की बात करें तो हमने अभी पढ़ाई है कम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन ड्रॉट डे मनाया गया है। और 18 जून यानी जो आज की डेट है, आज की डेट पे क्या है, फादर्स डे है, तो ये तो आपको याद ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं और साथ ही साथ किस डेट को कौन सा डे मनाया गया है वो भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने दाना पानी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, किसके लिए, बर्ड्स एंड एनिमल्स को। यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, गर्मी से बचने के लिए बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए दाना पानी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास BSF, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF। तो आपको बताना है इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका बी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, BSF। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है, BSF ने इसे लॉन्च किया। BSF का फुल फॉर्म क्या है, BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, यहाँ आप देख भी सकते हैं कि BSF ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दाना पानी इनिशिएटिव। इसमें क्या
किया जाएगा। बर्ड्स एंड एनिमल्स को फूड और वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी उनको सुबह शाम दाना पानी दिया जाएगा जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके, और जो बॉर्डर के पास जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उन्हें कंजर्व किया जा सके। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ यही इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है कि जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, बीएसएफ जो है वो कहाँ आपको मिलेगी, वो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे मिलेगी। तो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर जो जैसलमेर जिला है वहाँ ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, और इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का उद्देश्य यही है कि बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाए जो बॉर्डर एरिया में मिलती हैं। उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स को ही नहीं फोकस किया गया, वहाँ के जो उस एरिया के लोग हैं जिन्हें पानी की प्रॉब्लम्स है, और मतलब गर्मी से टैंकर्स तो आते हैं उनके लिए लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, तो उनके लिए भी बीएसएफ हेल्प प्रोवाइड करेगी। और आरके नेगी जो आपके बीएसएफ के क्या है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी जो है बीएसएफ के, आरके नेगी जी ने, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि बर्ड्स के लिए फूड और वाटर मॉर्निंग एंड इवनिंग में प्रोवाइड किया जाएगा। ये किसने कहा है, डीआईजी ने कहा है। किसके डीआईजी, बीएसएफ के। कौन है, आरके नेगी जी। ये सारी इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई हुई है वो ये है कि जो हर घर जल योजना थी, जो आपका जल मिशन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ ये आया है कि जो हर घर जल योजना है उसमें सेकंड जिला कौन घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर। यानी पहला जो जिला घोषित किया था वो भी मध्य प्रदेश के अंदर का था, दूसरा जिला जो घोषित किया गया है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा सेकंड जिला है जहाँ 100% टैप वाटर फैसिलिटी पहुँच चुकी है। हर घर जल योजना यही है कि घर घर टैप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि शुद्ध पेयजल लोगों को मिल सके। तो इस ये ऑब्जेक्टिव है इसका। यहाँ आपको बताना है कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ आपका सेकंड नंबर का जो निवारी डिस्ट्रिक्ट है वो सही हो जाएगा। निवारी डिस्ट्रिक्ट सेकंड नंबर पर राज्य का दूसरा हर घर जल जिला घोषित हो गया है। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो जल शक्ति, ये जो आपका हर घर जल मिशन है, जो जल जीवन मिशन है, ये किस मिनिस्ट्री के आता अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कब फॉर्मेशन हुई इसका, 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का फॉर्मेशन हुआ। जो आपका हर घर जल है, यानी टारगेट ईयर रखा गया है कि हमें इस ईयर तक इंडिया के हर घर में टैप वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वो टारगेट ईयर कौन सा है, 2024 है। फिर उसके बाद अगर हम हर घर जल स्टेट की बात करें कि हर घर जल स्टेट कौन सा घोषित किया गया है, तो वो है आपका गोवा। अगर हर घर जल यूनियन टेरिटरी की बात करें, यानी कि संघ शासित प्रदेश की बात करें, तो वो आपका लक्षद्वीप है। फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कौन है, ये हैं आपके मिनिस्टर। किसके, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। तो यहाँ आप इन सब पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। साथ ही साथ जो बुरहानपुर था, जो आपका एमपी का ही पार्ट है, यानी एमपी का ही जिला है, वो एमपी का ही नहीं, इंडिया का फर्स्ट जिला है जो जहां पास हर घर जल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है, यानी कि वहां के हर घर में टैप वाटर फैसिलिटी पहुंच गई है। तो फर्स्ट जिला कौन सा था, बुरहानपुर, जो आपका एमपी का ही था। सेकेंड जिला कौन सा बन गया है, वो आपका निवारी बन गया है। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कुछ स्कीम दी गई हैं जो मध्य प्रदेश ने अभी अभी लॉन्च की है, लेटेस्ट में लॉन्च की गई हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी स्कीम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो पहले आपका समाधान ऑनलाइन कॉम्प्लीमेंट पोर्टल, ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, ये भी एमपी सरकार के द्वारा लागू की गई है। कृषि ऋण समाधान योजना, ये भी एमपी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। और उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये भी एमपी ने, मतलब मध्य प्रदेश में ही लागू हुई है। रुक जाना नहीं योजना मध्य प्रदेश की है। और उसके बाद मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, ये भी एमपी की है। ई लक्ष्मी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ये भी एमपी गवर्नमेंट ने ही लॉन्च की है। और उसके बाद आपका देख सकते हैं हम लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी एमपी की है। सामर्थ्य सांगिनी योजना, ये भी एमपी की है।
नागर उदय अभियान, ये भी आपका एमपी का ही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार लोन योजना, ये भी एमपी का है। और उसके बाद नर्मदा संरक्षण कार्य योजना, ये भी आपका एमपी का है, क्योंकि नर्मदा नदी जो बहती है वो मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, और नर्मदा को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, लाइफलाइन भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये भी आपका एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। और मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल योजना, ये भी आपका एमपी गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया। तो ये स्कीम्स को आप याद रख सकते हैं, ये सभी स्कीम्स एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लेटेस्ट में ही अपडेट की गई हैं, लाई गई हैं, इनिशिएटिव किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ एक फेस्टिवल की बात की गई है, जो है बिहू पुहू, जो लेटेस्ट में ही ऑर्गेनाइज हुआ है। तो पूछ रहा है कि बिहू पुहू जो फेस्टिवल है कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है, कंडक्ट हुआ है। पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की कौन सी ट्राइब ऐसी है जिसने इस फेस्टिवल को मनाया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास तांगशा ट्राइब, आदि, आका, अपातनी। तो ये चारों ट्राइब ही आपकी अरुणाचल प्रदेश की हैं, और यहाँ से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तांगशा ट्राइब। तांगशा ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश की, उन्होंने बिहू पुहू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ आप इमेज भी देख सकते हैं, ये तांगशा जनजाति के लोग हैं जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अपने कल्चर को दिखाने के लिए, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए बिहू पुहू नामक फेस्टिवल मनाया है। उसके बाद और इन्फॉर्मेशन याद कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत के सुदूर पूर्वी हिस्सा, आप देख ही रहे हैं पूर्वी हिस्से में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ये जो रेड से आप देख रहे हैं ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। और यहाँ क्या है, हरी भरी पहाड़ियां है, नेचर से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हैं ये लोग। तो ये जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, ये फेस्टिवल जो मनाया गया, ये बेसिकली नेचर को ही डिनोट करता है, यानी मनुष्य और नेचर में क्या रिलेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ ये चीजें दर्शाती हैं। साथ ही साथ ये जो फेस्टिवल है ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं म्यांमार में भी ऑर्गेनाइज होता है। और म्यांमार कहाँ है, ये जो व्हाइट दिख रहा है पार्ट, ये म्यांमार है, ये म्यांमार में भी ऑर्गेनाइज होता है ये फेस्टिवल, और अरुणाचल प्रदेश में भी ऑर्गेनाइज होता है। इसमें होता क्या है, जो बांस की बांसुरी होती है उसका इस्तेमाल होता है इस फेस्टिवल में, साथ ही साथ राइस बियर, यानी चावल की जो बियर, चावल के पानी से बियर बनाई जाती है, उसका भी इस्तेमाल यहाँ के लोग, ये जो ट्राइब जो है ये इस फेस्टिवल में करती है। ये ह्यूमन एंड नेचर के रिलेशन को दर्शाती है, और साथ ही साथ कल्चर को भी दर्शाती है, क्या ये जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में पूछा गया है कि एग्रीकल्चर फेस्टिवल जो रज पर्व मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है, तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। उसके बाद जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ मनाया गया है, ये भुवनेश्वर मनाया गया है। पालकी फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा फेमस था, इस टाइम लेटेस्ट अपडेट थी पालकी फेस्टिवल की, तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हुआ है। फिर उसके बाद न्यू ईयर फेस्टिवल तामू लोसार, ये जो फेस्टिवल ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, सिक्किम में। फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल ये केरला में मनाया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड किस स्टेट को मिला है। ऑप्शन आपके पास महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, तो आपको बताना है कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो तेलंगाना सही हो जाएगा, तेलंगाना फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये फर्स्ट स्टेट भी है, और इंडिया में पहली बार ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना। और अब बात ये आती है कि ग्रीन एप्पल अवार्ड्स है क्या, बेसिकली लोग नाम से ये करेंगे कि ग्रीन एप्पल अवार्ड मतलब होता है कि ग्रीन एप्पल से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे इंडिया में फेमस जो आपकी फेमस इमारतें हैं या बहुत ज्यादा सुंदर संरचनाएं हैं, तो उनको मॉन्यूमेंट जो है उनको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है, उस स्पेसिफिक एरिया में अगर मॉन्यूमेंट फिट हो रहे हैं तो उन अंतर्राष्ट्रीय इमारतों को या राष्ट्रीय इमारतों को क्या किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को देने के फायदे क्या हैं, अगर किसी भी मॉन्यूमेंट को ये
अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस इमारत को, उस संरचना को हम आगे कंजर्व कर सकते हैं, इन फ्यूचर हम उसे कंजर्व कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ दिया भी गया है कि सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तेलंगाना से 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन किया गया है, यानी तेलंगाना की 5 ऐसी इमारतें और संरचनाएं हैं जिन्हें ग्रीन एप्पल अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, इससे पहले इंडिया को कभी भी ग्रीन एप्पल अवार्ड नहीं मिला है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम और तेलंगाना पहला स्टेट बना है। कितने मिले हैं ग्रीन एप्पल पुरस्कार, तो 5 ग्रीन एप्पल अवार्ड इनको दिया गया है। किन किन इमारतों को दिया गया है, यहाँ भी लिखा हुआ है, मुज्जम जाही मार्केट, दुर्गम चेरू केबल ब्रिज, और उसके बाद बी आर अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही बनाया गया है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें कि कितना लंबा है, तो ये आपका 125 फिट लंबा है, लेटेस्ट में बना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, इसे भी ग्रीन एप्पल पुरस्कार मिला है, और ये दादरी मंदिर, इसे भी ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पे फोकस करते हैं, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा देश 2025 में एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस इन 2025, यानी 2025 में जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव की, उसे कौन सा देश होस्ट करेगा। यहाँ सब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। इंडिया होस्ट करने वाला है जो आपका एनुअल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस होने वाला है 2025 में, उसे इंडिया होस्ट करेगा। इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, इसे शॉर्ट में हम IIAS कहते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसके बारे में जान लेते हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसका शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो IIAS है। कब फॉर्म हुआ, 1930 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्टेटस क्या है, ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगी, और बेल्जियम में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। और जानते हैं इसके बारे में, इंडिया इसको होस्ट करने वाला है जो 2025 में कंडक्ट होगी। तो इंडिया में कौन सा स्टेट, मतलब किस स्टेट में, ऐसा तो नहीं कि इंडिया की सभी स्टेट में ये ऑर्गेनाइज होगी कॉन्फ्रेंस, तो किस स्टेट में होगी, ये आपकी केरला में होगी, केरला की कोची में होगी। इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम रखी गई है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। फरवरी 2025 में कंडक्ट किया जाएगा, और इसमें किस चीज पे फोकस किया गया है, तो इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में फोकस किया गया है, यानी जो इंडिया की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यही है इस कॉन्फ्रेंस का कि अखिल भारतीय सेवाओं पर फोकस किया जाए, और अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो आर्टिकल नंबर 312 में मेंशन है। ये हमने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ लिया, कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही ये भी पढ़ लिया, सारी इंफॉर्मेशन हमने गेन कर ली। नेक्स्ट देखते हैं, जूले लद्दाख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लद्दाख से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कहा जा रहा है कि जूले लद्दाख एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे स्टार्ट किया है। ऑप्शन है आपके पास इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन नेवी। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन नेवी ने जूले लद्दाख इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। कहाँ, लद्दाख में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडियन जो लद्दाख एरिया है ये तो क्या है, ये आपका लैंड एरिया है, वहाँ इंडियन नेवी क्यों ऑर्गेनाइज कर रही है। तो इंडियन नेवी इसलिए ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि वहाँ की जो यूथ है उसे अवेयर किया जा सके कि वो कैसे इंडियन नेवी में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है, ये आप देख रहे हैं। जूले लद्दाख का मतलब होता है हेलो लद्दाख, और जूले जूले का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताएं। और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, कौन कंडक्ट करा रहा है, किस मतलब ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया, इंडियन नेवी ने। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि वहां की जो यूथ है उसको अवेयर किया जाए कि वो कैसे इंडियन नेवी में अपना करियर बना सकते हैं। ये क्या है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 ही जिले आपको देखने को मिलेंगे, एक लेह है, दूसरा है कारगिल। और ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ये आपका लेह में ऑर्गेनाइज हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि शनि के चंद्रमा का क्या नाम है जहाँ फॉस्फोरस पाया गया था, टाइटन, रिया, इनकेलेडस या मिमास।
तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसेलेडस जो है आपका शनि के चंद्रमा जो यहाँ पास फास्फोरस पाया गया है, ये आप देख ही रहे हैं। ये कुछ शनि के चंद्रमा दिए गए हैं जिनमें से इंसेलेडस में क्या हुआ है, फास्फोरस की प्रेजेंस पाई गई है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो आपकी दिल्ली में थी उसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदल के क्या रख दिया गया, उसका नाम रख दिया गया प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी। तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। इसका नाम चेंज हो गया है, नया नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी। पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट ये है आपके रामचंद्र गुहा। ये क्यों इतना ज्यादा मतलब इनको हाईलाइट किया गया है, इन्हें इसलिए हाईलाइट किया गया है कि इनकी जो बुक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, ये इनकी बुक है, आपको साइड में दिखी रही होगी। इसे क्या है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज मिला है, इसीलिए रामचंद्र गुहा जी बहुत ज्यादा इस टाइम फेमस है, यानी कि चर्चा में है, और ये एक न्यूज करंट न्यूज भी बन गया है क्योंकि इनकी जो बुक है उसे एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज प्रोवाइड किया गया है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सभी आपको प्रोवाइड करा दी है। तो ये सभी लेटेस्ट की करंट अफेयर्स हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और डेली ही आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती रहेंगी जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।